अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आज हम मटन जमजम कबाब बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने 1/2 kg मटन लिए है, 100 ग्राम चने की दाल है, 100 ग्राम ही मसूर की दाल है। दोनों दालों को 4 घंटा पहले धोकर भिगाने के लिए रख दिए थे। फिर उसके बाद में इसको हम लोगों ने अच्छे से 4 घंटे के बाद फिर से धोए और इधर यहाँ पर रख दिए। थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो अभी रमजान है, टाइम कम रहता है, इसीलिए हम लोगों ने पेस्ट लिया हुआ है। अगर आपके पास में अक्खा लहसुन, अक्खा अदरक है, लहसुन छीलने का टाइम है, तो फिर आप अक्खा अदरक लहसुन भी इसमें डाल सकते हो। यहाँ पर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन है। हरी मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हो, जितना तीखा आप खाते हो उतना आपने इसमें हरी मिर्ची लेनी है। हम लोगों की हरी मिर्ची फ्रिज में रख रख के रेड हो गई है, तो हम लोग वो यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट है, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून ही साबुत धनिया है, 1/2 टेबल स्पून साबुत जीरा है, और यहाँ पर हम लोगों ने 1 टीस्पून जितना लिया हुआ है सौंफ, बड़ी शॉप जिसको बोलते सॉफ्ट बोलते फेनल सीड, वो हम लोगों ने ली हुई है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने हरी मिर्ची भी ली है इसके लिए। अगर आप चाहो तो आप देगी मिर्च जो तो आती है सूखी वाली, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। अब इसको बनाने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले इसमें सारे मसाले डाल देंगे, बहुत ही आसान है, झटपट बन जाता है, झटपट बन जाएगा ये। अदरक लहसुन डाले, दाल डालेंगे, दाल को पहले से धो दी हूं मैंने, इसको जब भिगाने रखी थी तभी भी धोई थी, और उसके बाद में भी मैंने इसको भिगाने के 4 घंटे के बाद में भी धोई हूँ। और इसको बना के फ्रोजन भी कर सकते हैं, फ्रिज में रख के बाद में निकाल के तल के खा सकते हैं। अंडे में इसको तलने का है, एकदम फटाफट बनने वाली रेसिपी। ये कैसे मालूम, शामी कबाब जैसे बनते ना वैसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। हाँ, थोड़ा सा मसूर की दाल वगैरह डाला हुआ है, और उसमें सारे अक्खे गरम मसाले जाते हैं, इसमें इतने अक्खे गरम मसाले नहीं, इसमें पाउडर जाता है। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसमें थोड़ा तेल भी डालेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे। अभी पानी देखो कितना पानी लिए हैं, 1 गिलास से थोड़ा कम पानी, 1/2 गिलास पानी डालती है, गरम पानी डाले। हाँ। अब इसको 4 सीटी ले लेंगे, 4 सीटी इसको ले लेंगे। देखो जमजम कबाब का पूरा गोश्त उबल गया, दाल भी गल गई। अभी इसमें हम लोग 4 सीटी लेने के बाद खोले तो उसमें थोड़ा पानी था, तो गैस गैस पे हमने पानी सुखाया उसको, अभी पंखे के नीचे ठंडा करेंगे, इसको पीसेंगे। यहाँ पर देखिए मैं इसको जमजम कबाब का मसाला जो है इसको मैं पीस कर लेकर आ गई हूँ। अब इसके ऊपर मैंने हरा धनिया डाला है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। फर्स्ट सिंपल क्या करना है, इसकी हमको टिकली बना लेना है। ये देखिए सिंपल, इसकी हमने जितना आपको बड़ा कबाब चाहिए जितना उतनी आपने इसको इसकी टिकली बना के ले लेना है। ये देखिए, तो ऐसे ही सारी मैं बना लूंगी, फिर इसको अंडे में डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, तो ऐसे ही मैं सारे पहले टिकली बना देती फिर फ्राई करते टाइम आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए ऑयल अच्छे से फ्राई हो गए, ये देखिए जमजम कबाब जो है मैंने अच्छे से ये देखिए सारे बना लिए हैं। अंडे में इसको डिप करेंगे और इसको हम गर्म तेल में फ्राई करेंगे। अच्छे से इसको एक साइड से 2 से 3 मिनट फ्राई करना है, फिर इसको पलटना है, दूसरे तरफ से 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करना है। अब इसको टर्न करेंगे और दूसरे साइड से भी इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए देखिए जमजम कबाब जो है बनकर तैयार है, अभी बस इसको सर्व करेंगे। ये देखिए अब इसको हम सर्व कर देंगे। देखो हमने आज जमजम कबाब बनाए हैं, हाँ एकदम फर्स्ट क्लास टेस्टी बने हैं। ऐसा रमजान स्पेशल में बना के खाओ, रोजा खोलो, दुआ करो, हाँ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अल्लाह हाफिज़।